अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज आयशा ब्यूटी सीक्रेट्स। आज मैं आपसे 5 हेल्थ टिप्स रमजान के हवाले से शेयर करूंगी, जिससे आपको रमजान में डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आप हैवी फील नहीं करेंगे, आपको प्यास नहीं लगेगी और बहुत कुछ। लेकिन इन सब को जानने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक। तो स्टार्ट करते हैं रमदान हेल्थ टिप नंबर 1, अवॉइड ड्रिंकिंग। हैवी शुगर कोला से परहेज करना चाहिए, शुगर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। शुगर आपको ज्यादा डिहाइड्रेट करती है, सहरी में चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कॉफी का इस्तेमाल कम से कम करें। चाय और कॉफी के इस्तेमाल से कैफीन की मौजूदगी जिस्म में पानी की कमी कर देती है, जिससे प्यास बढ़ती है। फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, कोला और सोडा से प्यास में कमी नहीं होती। सेकेंड ट्रिप है ड्रिंक वाटर। सहरी में 8 ounces पानी आपको पीना चाहिए। रमजान के महीने में ये बहुत जरूरी होता है कि बहुत ज्यादा पानी पिया जाए। रोजा रखने वाले शख्स को चाहिए कि वो एक्स्ट्रा पानी पिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज मौजूद नहीं होती। सहरी में ज्यादा पानी पीने से आपको एनर्जी मिलती है और सारा दिन आप एक्टिव रहते हैं। पानी से आप डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं। सारा दिन रोजे के वक्त आपको हेल्प मिलती है। थर्ड हेल्थ टिप की हम बात करते हैं, इफ्तार के वक्त आपको प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स के मिक्सचर का इस्तेमाल करना चाहिए। बनाना, स्ट्रॉबेरीज, पर्पल ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स और ऑरेंजेस में प्रोटीन मौजूद होता है। मौसम के लिहाज से आप रमजान में इन फलों का इस्तेमाल करके प्रोटीन को हासिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी प्रोटीन मौजूद होता है, आलमंड्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मिकदार मौजूद होती है। खजूरें खाने के भी बहुत से फायदे होते हैं, इसमें मौजूद ग्लूकोज की मिकदार आपको एनर्जी देती है। खजूरों में फाइबर भी मौजूद होता है। नंबर 4 हम बात करते हैं चूज फूड्स, उन खानों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा से ज्यादा हो, जैसे कि वीडियो में आपको परसेंटेज शो हो रही है। टमाटर में 94% वाटर कंटेंट मौजूद होता है, मेलन में वाटर 96% वाटर कंटेंट मौजूद होता है, क्यूकम्बर में 96% वाटर कंटेंट मौजूद होता है, ऑरेंजेस में 90%, गावा में 89% वाटर कंटेंट मौजूद होता है। फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, सब्जियों से ग़िज़ाइयत और एनर्जी मिलती है। 5th और लास्ट टिप की हम बात करते हैं, ईट दलिया। सहरी में दलिया के इस्तेमाल से दिन भर आपकी एनर्जी खत्म नहीं होती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।